मित्रों नमस्कार, कोटा ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। मैं मुकेश नागर। साथियों, आज मैं आप लोगों से एक वादा करवाने आया हूँ कि आप मेरे से एक वादा करोगे साथियों, और वो वादा क्या है अब आपको पूरा वीडियो सुनना है। पूरा वीडियो सुन कर के निश्चित रूप से आपका कमेंट मेरे पास आना चाहिए कि सर मैं आपसे वादा कराऊँ, मैंने आपसे ये वादा किया है कि मैं जो वादा कर रहा हूँ अब इससे मैं बिल्कुल भी नहीं बदलूँगा। तो ये कमेंट मेरे पास आना चाहिए आप लोगों का, तब मैं मानूँगा कि मेरे कितने साथी हैं जो इस बात को मानते हैं। तो साथियों सुनिएगा, सबसे मेन बात ये है कि मैं बहुत सारे साथियों को देखता हूँ, पढ़ पढ़ के उनकी जो है ना हालत ख़राब हो चुकी है। आप में से भी बहुत सारे साथी हैं जो इतना पढ़ रहे हैं, इतना पढ़ रहे हैं, और मैं क्या बताऊं साथियों, दिन रात एक कर रहे हैं, लेकिन फिर भी असफलताएं फिर भी हाथ लग रही है। साथियों ऐसे मेरे साथी, जितने भी साथी मेरे मित्र हैं जिनको पढ़ते पढ़ते 7 से 8 साल हो चुके हैं, लेकिन आज तक भी सफलता हाथ नहीं लगी है। मित्रों ऐसे साथियों को पूरा वीडियो सुनना। अगर आपको मेरी बात में 1% भी ये लगती है कि नहीं सर आपने बहुत तगड़ी बात कही है, तो निश्चित रूप से आज इस चैनल से जुड़ना साथियों, मैं सही बता रहा हूं, और आपको इतना फायदा होगा, इतना फायदा होगा जिसकी कोई हद नहीं है। साथियों मैं सही कह रहा हूं, अगर मेरी एक भी बात सही लगती है तो चैनल को लाइक करना और शेयर करना, और सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, मैं सही बता रहा हूं आपको। तो मित्रों सबसे मेन बात यह है कि आज की कंडीशन ये है कि बहुत सारे साथी हैं दिन रात मेहनत कर रहे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं, 8-8 साल हो चुके हैं, 10-10 साल हो चुके हैं। साथियों आपके कमेंट आना चाहिए मेरे पास कि सर मेरी आज जो आप बता रहे हो वैसी हालत हो चुकी है। साथियों अगर मैं कहूं कि इसके पीछे जिम्मेदार आप हो, अगर मैंने कहा इसके पीछे जिम्मेदार आप हो, तो क्या आप मानोगे मेरी बात को? क्या इस सच्चाई को आप सामना कर पाओगे? इसके पीछे जिम्मेदार आप हो, इतनी सारी असफलताएं इसके पीछे चल रही है, इसके जिम्मेदार आप हो, क्या आप मेरी बात को मानोगे? इसमें सत्यता है, ये कड़वा सत्य है जो मैं आप लोगों को बोलने वाला हूं, और आपको मानना पड़ेगी मेरी बात को। साथियों मैं कोई हंसी मजाक लापा झापी कहीं भी कोई ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं करने आया हूं कि आप सोचो कि मैं ये कोई बात करूंगा आपसे, बिल्कुल भी नहीं करूंगा आप लोगों से ये बात। साथियों मैं आपसे यही कहूंगा कि बंद कर दीजिए उन चीजों को जो आपको असफलता की ओर लेकर के जा रही है। सुनिए, आज पूरा वीडियो सुनना पड़ेगा आप लोगों को। आप लोग अगर मेरे वीडियो को नहीं सुन पाते हो तो इसका मतलब आप में कमी है, आपको सुनना पड़ेगा, ये मैं कह रहा हूं, मान लीजिए मेरी बात को, नहीं तो फिर आप मत सुनिए, कोई दिक्कत नहीं है, मत सुनिए। तो आप आज मेरे से प्रॉमिस करके जाओगे, आपका कमेंट मेरे पास आएगा तो मैं मानूंगा साथियों। तो साथियों बात ऐसी है, सबसे पहली बात है असफलता के मार्ग तक जो आपको लेके जा रही है इतनी मेहनत करने के बाद में है, वो है बहुत सारे किताबें, कॉपियां, बहुत सारे नोट्स, इन सबको इकट्ठा करना, ये सबसे मेन चीज है जो आपको असफलता की ओर लेकर के जा रही है, ये सबसे मेन चीज है। साथियों आप एक बार बताइए, आप एक गाइड लेके आए, एक बुक लेके आए, क्या उसके ऊपर आपको विश्वास नहीं कर रहा? अरे आपको विश्वास था तभी तो उसको लेके आए हो ना आप, फिर उसके ऊपर विश्वास क्यों नहीं है आपको? आपको विश्वास होना चाहिए ना उसके ऊपर, फिर क्यों नहीं है? क्यों आप दूसरा वीडियो देख करके दूसरी बुक ले लेते हो, ऐसा क्यों करते हो आप? तो आपको क्या वो असफलता के मार्ग की ओर नहीं ले जा रही है क्या? कहा जाता है कि करत करत अभ्यास के जड़ मत हो तो सुजान, रसरी आवत जात है सिल पर परत निशान। साथियों ये 100% सत्य है, को पागल नहीं थे जिन्होंने इतनी सच्चाई सच्ची बात लिखी है, लेकिन आप मानते ही नहीं हो। किसी का वीडियो देखा, अरे ये बुक बहुत बढ़िया है, और आप उसको लेकर के आ जाते हो। अरे पहले जो बुक लेके आए हो वो बुक भी तो आप ही लेके आए हो, क्या वो बुक आपकी कंप्लीट है? क्या आपको अच्छी तरह से लर्न है? क्या आप उसको पूरा पढ़ पाए हो? उसमें से कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप कर पाओगे क्या? बताओ आप कर पाओगे क्या? नहीं कर पाओगे, आप बात को ही नहीं मानते मेरी बात को। फिर कहते हो सर इतने साल हो चुके हैं सर, सक्सेस नहीं हो रहे हैं सर, सर नौकरी नहीं मिल रही है सर,
क्या करें सर, मैं आपको दिल से बता रहा हूं साथियों, इकट्ठे करना बंद कर दीजिए चीजों को। आपको मैं कह रहा हूं साथियों, जो मैंने वीडियो बनाए हैं, अभी जो आज वीडियो आया है आपने देखा होगा, मैंने हिंदी से रिलेटेड वीडियो बनाया था। फर्स्ट पेपर से रिलेटेड में मैं वीडियो बनाऊंगा। जो हिंदी से रिलेटेड मैंने वीडियो बनाया है, इनके अलावा आपके पास आपके नोट्स होने चाहिए, और नोट्स के अलावा आपके पास कुछ नहीं होना चाहिए, बस डन। कुल मिला के बात यह है कि चार किताबें आपके पास है और आपके नोट्स हैं, इसके अलावा अलमारियां मत भरिए। मैं सही कह रहा हूं आप लोगों से, जब भी आप दुकान पे जाते हो बहुत सारी किताबें वहां से उठा के लाते हो और फिर अलमारी भर देते हो, फिर वो जो पहले पढ़ी थी वो तो कचरे में गई, इसको पढ़ना शुरू कर देते हो और पढ़ते रहते हो। अरे जो पहले के ही पादरे नहीं पढ़े मेरे साथियों, जो पहले की किताबें ही नहीं याद हुई है, पहले की किताबों से क्वेश्चन दे दिया जाए तो उनमें से क्वेश्चन नहीं आता है, क्यों नहीं मेरी बात को आप मानते हो? मैं सत्य बता रहा हूं आप लोगों को, मुझे गुस्सा आता है इस चीज से कि स्टूडेंट कहता है सर मैं तो असफल हो रहा हूं, क्या करूं। इस बात से मुझे बहुत गुस्सा आता है। तो आज से कान खोल करके सुन लेना, मेरी बात को मान लेना। आपका मित्र, आपका साथी आपसे ये प्रॉमिस करवा रहा है, और आपका कमेंट मेरे पास प्रॉमिस के रूप में आना चाहिए कि सर आपने कहा अब यही मेरे पास है, ये नोट्स हैं, आप सक्सेस नहीं हो जाओ तब मेरी गारंटी लिख रहा हूं आपको, लिख दूं मैं आप लोगों को, आपकी जो असफलता है ना वो सफलता में बदलने में देर नहीं लगेगी, इसलिए विश्वास कर लो। सबसे मुख्य बात है असफलता के मार्ग की ओर ले जाना, बहुत सारी सामग्री को इकट्ठा करना, बहुत सारी चीजों को इकट्ठा करना। अरे क्या आप मुझे बताओ, 8 से 10 साल से जो आप तैयारी कर रहे हो, क्या 8 से 10 साल तक आप उन्हीं चीजों को पढ़ रहे हो? बताओ मुझे। अरे करंट की मैं नहीं कह रहा हूं, करंट आप पढ़ो ना, पढ़ो करंट, महीनेलाल करंट पढ़ो, क्रोनोलॉजी पढ़ो, मूमल पढ़ो, जो तुम्हारे मन में आए महीनेलाल पढ़ो ना, मैं थोड़ी मना कर रहा हूं। जो नोट्स पहले के बने हुए हैं उन पे विश्वास कीजिए, उनको 10-10 बार पढ़िए, 20-20 बार पढ़िए साथियों, और खुद को पढ़ाइए उस चीज से कि मैंने सर ये कर लिया है, अब बताइए क्या करूं। मैं कह रहा हूं साथियों, दिल से कह रहा हूं, आप अगर सक्सेस स्टोरी को नहीं लिख दो, आपकी जो संघर्ष की कहानी वो स्वर्ण अक्षरों में नहीं लिख जाए, तो मैं गारंटी दे रहा हूं आपको, उठ के खड़े हो जाना अगर मेरी बात में 1% भी दम है तो। साथियों मैं सही बता रहा हूं, यहां पर मैं एक व्हाइट बोर्ड पर, एक सिंपल से बोर्ड पर आप लोगों को पूरा हिंदी साहित्य का इतिहास, पूरे हिंदी व्याकरण, आप लोगों को काव्य शास्त्र, जितनी भी हिंदी जिस भी पेपर में आती है पूरे इंडिया के अंदर, वो पूरी की पूरी हिंदी में यहां कराने वाला हूं आप लोगों को। आप जुड़िए तो सही चैनल से, आप लाइक तो कीजिए, पसंद तो कीजिए। बस मेरे पास ये है कि बड़े बड़े बोर्ड नहीं है, मेरे पास एक व्हाइट बोर्ड है और उसके ऊपर ही करवाता हूं साथियों। बस विश्वास मान लीजिए, आपका जीवन संवर हो जाएगा, आपका जीवन और आपकी सफलता जो है निश्चित रूप से संवर जाएगी मित्रों, मैं विश्वास दे रहा हूं आप लोगों को। इसलिए असफलता बार बार मिल रही है, एज बढ़ती जा रही है, सक्सेस नहीं हो रहे हैं, तो आज से ही नोट्स जितने हैं केवल सेलेक्टेड मैटर ले लीजिए कि बस इनके अलावा बाकी जितनी भी अलमारियां भरी है सबको कट्टे में बंद कर दीजिए और सेलेक्टेड मैटर ले लीजिए और उसके ऊपर विश्वास कीजिए। केवल करंट पढ़िए बस, और उस मैटर के ऊपर विश्वास कीजिए। ये मैं मानता हूं, अगर आपको लगता है कि हिंदी साहित्य का इतिहास, मेरे पास भी हिंदी साहित्य का इतिहास है, अगर आपको मंगवाना है तो आप मंगवा सकते हो हिंदी साहित्य के इतिहास के नोट्स, साइकोलॉजी के नोट्स मंगवा सकते हो, चाहे रीट के हो चाहे फर्स्ट ग्रेड के हो, मेरे पास आप मंगवा सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है मित्रों। तो मित्रों अगर मेरी एक भी बात, एक भी सच्चाई आपको लगती है, मैं आज बहुत गुस्से में हूं, लोग कहते हैं यार सर हम तो 10 साल से असफल हो रहे हैं, मेहनत करते करते असफल हो रहे हैं, तो निश्चित रूप से कान खोल के सुन लेना। एक तो जितनी भी दुकानें हैं ना, आप बार बार मत जाइए वहां पर, बार बार मत जाइए, नहीं तो लेकर के आओगे गाइड या कुछ भी बुक तो लेकर के आओगे और फिर उसमें लग जाओगे। तो इसलिए सेलेक्टेड मैटर से पढ़िए, नियमित पढ़िए, कभी भी गैप मत दीजिए और कंटिन्यू पढ़िए, बार बार पढ़िए उन्हीं चीजों को। कम से कम एक बुक जो आपने सेलेक्ट करी है 10 बार पूरी हो जानी चाहिए, और उसके बाद में उससे रिलेटेड प्रैक्टिस सेट 10 बार पूरे हो जाने चाहिए। मैं गारंटी दे रहा हूं, देखिए सक्सेस नहीं हो जाओगे क्या आप?
आपका सिलेबस आपके टेबल पे जहां आप पढ़ते हो उसके सामने वाले दीवार पर लगा हुआ होना चाहिए। प्रीवियस ईयर के पेपर आपके पास पूरे होने चाहिए, फिर देखो आप देखिए सक्सेस नहीं। एक बार एनालिसिस तो कीजिए प्रीवियस ईयर के पेपर का, कैसा क्वेश्चन आता है कैसा नहीं आता है। मित्रों बात अगर सत्य लगी हो ना तो निश्चित रूप से आपको चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा, ये मैं बता देता हूँ साथियों, निश्चित रूप से जुड़ना पड़ेगा अगर मेरी बात में 1% भी सच्चाई है तो। क्या सर ऐसा ही हो रहा था मेरे साथ, मैं बहुत सारे चीजों को इकट्ठे कर रहा था, ये भी नहीं पढ़ पाया वो भी नहीं पढ़ पाया, और लास्ट में जाकर के साथियों मैं आपको बता दूं जब पेपर आने वाले होते हैं एक एक महीना जब बच जाता है तो स्टूडेंट भावुक परेशान सा हो जाता है कि ये भी पढ़ लूं वो भी पढ़ लूं, और वो दुकान पर जाता है बार बार वहां से ये किताब ले ली वो किताब ले ली, और उससे पादरे किसी के भी नहीं पढ़े। सोचो आप, सत्य बता रहा हूं मैं, मेरा दिल जो है ना खराब हो, दिमाग खराब हो जाता है इस बात से कि बार बार ऐसा हो रहा है, बार बार ऐसा हो रहा है। मैंने भी बहुत सारी इन चीजों को झेला है, बहुत सारी परेशानियां आती है साथियों। तो निश्चित रूप से आज से कान खोल के सुन लेना और मेरी बात को मान लेना, यह सोचना कि मैं तुम्हारा एक तरह से गार्जियन की तरह आप लोगों को ट्रीट कर रहा हूं, और ये बात मान करके साथियों आपका कमेंट मेरे पास आना चाहिए। सर कभी भी अब जो है इस सेशन में इस बार हम लोग बिल्कुल भी नोट्स जो सिलेक्टेड मैटर है बस उसी से तैयारी करेंगे, चाहे 10 बार इसी को क्यों ना पढ़ना पड़े। तो साथियों ये बिल्कुल सिलेक्टेड मैटर से पढ़िए और सारी चीज़ों को बंद कर दीजिए साथियों, बस पैक हो जाइए एकदम से। साथियों बात में अगर सत्यता है तो निश्चित रूप से आप लोग मेरे को कमेंट करोगे, सब्सक्राइब करोगे चैनल को, ध्यान रहे, और फिर मैं इसी तरह का एक मोटिवेशनल वीडियो फिर लेकर के आऊँगा। साथियों अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। जय हिंद जय भारत, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, अगली सारी इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सभी को, धन्यवाद।